भागलपुर सुल्तानगंज में दो दिन से झमाझम बारिश होने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। व्यवसायियों को झमाझम बारिश से नुकसान होता दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों ने बताया कि झमाझम बारिश होने से उन लोगों का रोजगार ठप हो चुका है, कोई बिक्री नहीं हो रही है। एक तरफ सरकार द्वारा अनलॉक व नाइट कर्फ्यू होने से शाम 5 बजे दुकान बंद करना पड़ रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती भी किए जाने से शहर के विभिन्न जगहों में जाम की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। टेम्पो स्टैंड होने के बावजूद चौक चौराहों पर टेम्पो स्टैंड बनने के कारण जाम की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी बस स्टैंड में स्टैंड बना हुआ है, लेकिन टेम्पो चालक चौक पर स्टैंड बना दिए हैं, इसलिए जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा बैठक कर सभी टेम्पो चालक को हिदायत देते चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लगाया गया है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न न हो सके। तब पर भाई टेम्पो चालक बात नहीं मानते हुए चौक चौराहों पर टेम्पो लगा दिया जाता है, जिससे जाम की समस्याएं खूब होती रहती है। इस ओर स्थानीय पुलिस प्रशासन को देखने की जरूरत है, जिससे शहर में जाम नहीं लगे, बाहर से आ रहे लोगों को कामकाज में परेशानियों का सामना न करना पड़े। मेरे न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से संतोष राज की रिपोर्ट।